उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सभी बड़े दलों की सहयोगी पार्टियां कैसे दबाव बना रही हैं, हम आज ये समझेंगे। ये भी जानिए कि अब चुनाव के बाद कहां भिड़े हैं योगी और अखिलेश, और आखिर में विपुल दुबे और बेदीराम कैसे बने हैं बीजेपी के गले की फांस, हम आपको ये बताएंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, हालांकि अभी चुनाव कब होंगे इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं सब अपने अपने सबों ने कमर कसने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनके दावे निकल कर सामने आने लगे हैं, और उधर कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी पर 3 सीटों का दबाव बनाने जा रही है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर बीजेपी कहां कहां दबाव में आ सकती है। दरअसल 2 सहयोगी दल ऐसे हैं जिनकी एक एक सीट के विधायक सांसद बने हैं। एक मझवा से विनोद बिंद, जो कि बीजेपी के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के विधायक थे, लेकिन इस बार बीजेपी से भदोही से सांसद बने हैं, उनकी सीट खाली है। वहां पर निषाद पार्टी चाहती है कि वो फिर वहां से चुनाव लड़े। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर इस बार लालजी वर्मा वहां से सांसद चुने गए हैं, जो कि कटेहरी के विधायक थे, और 2022 में वहां से निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि हार गई थी, लेकिन इस बार अपनी उस सीट पर भी निषाद पार्टी दावा ठोक रही है। तो 10 में से 2 सीटों पर निषाद पार्टी दावा ठोक रही है, जबकि 2 सीटों पर आरएलडी दावा ठोक रही है। आरएलडी के एक विधायक इस बार सांसद बने हैं, मीरापुर से चंदन चौहान विधायक थे, जो कि बिजनौर से इस बार सांसद हो गए हैं। तो मीरापुर की सीट आरएलडी के कोटे में है, लेकिन अलीगढ़ की खैर विधानसभा की सीट वहां पर इस बार आरएलडी अपनी दावेदारी करने जा रही है। दरअसल खैर जाट बहुल सीट है, और आरएलडी को लगता है कि उस सीट पर वो बेहतर चुनाव लड़ सकती है। तो 10 में से 4 सीटों पर जो सहयोगी दल हैं वो अपना दावा ठोक सकते हैं। हालांकि अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर, इन दोनों की तरफ से कोई सीधा दबाव अभी नहीं बना है, ना ही इनके कोई विधायक सांसद बने हैं, ऐसे में इनका दावा नहीं है। लेकिन इन्हें भी लगता है कि सहयोगी दलों को सीट अगर दिया जाएगा तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। खैर, बीजेपी कम से कम 8 सीटें लड़ेगी और 2 सीटें अपने सहयोगियों को देगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें से 3 ऐसी सीटें हैं जो अपने लिए चाहती है। उसे लगता है कि जो गाजियाबाद की सीट है, जहां से अतुल गर्ग जो इस बार सांसद हुए हैं, वो सीट कांग्रेस पार्टी चाहती है। उसे लगता है कि गाजियाबाद उसकी सीट हो सकती है और इसके लिए वो दबाव बनाएगी। इसी तरीके से मीरापुर की सीट, जो मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा है, मुस्लिम बहुल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट है, और वहाँ से भी कांग्रेस पार्टी चाहती है चुनाव लड़ना। और तीसरी सीट फूलपुर की है। फूलपुर कांग्रेस का पुराना परंपरागत गढ़ रहा है, वहाँ से बीजेपी का विधायक इस बार सांसद हुआ, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसे फूलपुर भी दी जाए। लेकिन फिलहाल ये तमाम बातें सूत्रों के जरिए, या यूँ कहें बातचीत में पार्टियों के नेताओं तक पहुँचाई जा रही हैं। कुछ लोग अपनी बातें मीडिया में भी रख रहे हैं, लेकिन ये दबाव आने वाले वक्त में दिखेगा। दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अब उपचुनाव लड़ेंगे। यानी कि क्या सारे सीट लड़ेंगे या कुछ सीटों पर लड़ेंगे, ये तो देखना बाकी है। लेकिन एक दलित चेहरे और एक दलित पार्टी के तौर पर लगातार अपनी पहचान बना रहे चंद्रशेखर आज़ाद इन 10 उपचुनाव की सीटों पर, विधानसभा की उपचुनाव की सीटों पर ज़रूर लड़ेंगे। वहीं मायावती ने भी ऐलान कर दिया है कि सभी 10 सीटों पर इस बार उनकी पार्टी लड़ेगी। अमूमन बसपा चुनाव नहीं लड़ती उपचुनाव होते हैं। तो कुल मिलाकर के फिलहाल चुनाव को लेकर के अभी किसी भी तरह की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, कोई तारीख नहीं आई है। बावजूद इसके जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने अपने गठबंधनों पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि चुनाव के पहले किस तरह की घेराबंदी ये छोटी पार्टियां कर पाती हैं। अब अगली खबर।
चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने थे, एक दूसरे पर जमकर प्रहार हो रहा था, छीटा कछी हो रही थी और एक दूसरे के सवालों के जवाब और जवाबों के जवाब भी दिए जा रहे थे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ऐसा कौन सा मौका आया जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हो गए? दरअसल ये मामला सीधे चुनाव से तो नहीं जुड़ता, लेकिन चुनाव के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, पूरे चुनाव में अगर कोई एक मुद्दा सबसे ज्यादा हावी था तो वो था नौकरियों का, वो था आरक्षण का। वो मुद्दा जो रोजगार से जुड़ा था वो हावी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में कुछ सरकारी नौकरी में चुने गए लोगों को जब उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया, उस दौरान उन्होंने बोलते बोलते क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के शासनकाल में नौकरियां तो बिकती थी, चाचा भतीजे नौकरियां निकालते ही वसूली में लग जाते थे और कोई भी भर्ती बगैर वसूली के, बगैर अपने लोगों के नहीं होती थी। क्या कहा था अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। और पलट कर जो अखिलेश यादव ने जवाब दिया हम वो भी सुनाएंगे। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी, भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे पहले क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि नियत साफ नहीं थी, भाई भतीजावाद होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था, कोर्ट के स्टे होते थे। तो आपने योगी आदित्यनाथ को सुन लिया। जी हाँ, जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हमला योगी सरकार ने झेला है वो है सरकारी नौकरियों का, और इसी सरकारी नौकरी के एक कार्यक्रम में उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला किया तो अखिलेश भला कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने सैफई में जवाब दिया और जो दुख तिरग अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दबाई थी, वैसी ही दुख तिरग पर अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री पर हमला किया। जी हाँ, उनके पहनावे और संत होने के की वजह से उनके कपड़ों को लेकर उन्होंने तंज कसा और कहा कि जो लोग कुछ खास किस्म के कपड़े पहनते हैं उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव। जो वस्त्र होते हैं कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। तो बेशक ये लेखपालों की को नियुक्ति पत्र बांटने के वक्त जो बातें निकली उससे दोनों नेता आमने सामने आ गए, लेकिन इसने कुछ दिन पहले खत्म हुए चुनाव की याद दिला दी जब दोनों नेता इस सियासत के भीषण दौर में एक दूसरे के आमने सामने थे। खैर, अब इन नौकरियों पर, आरक्षण पर अब सियासत ऐसे भी होती रहेगी। अब अगली खबर। और आखिर में हम दो विधायकों की बात करेंगे एनडीए के। जी हाँ, एक विधायक ओम प्रकाश राजभर के बेदीराम और दूसरे निषाद पार्टी के विपुल दुबे। ये दोनों विधायक इस वक्त ऐसे हो चुके हैं जो बीजेपी और योगी सरकार के गले की फांस बन गए। जी हाँ, इनके पुराने मामले निकलने लगे हैं। 2005-6-7 के दौरान जिस तरीके से रेलवे के ग्रुप डी की परीक्षाओं में और अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग
सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं हुई उसमें जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक कराए गए, जिस तरीके से नौकरियों में इन लोगों ने खुलकर अपने हाथ आजमाए, अपने लोगों को नौकरियां दी, प्रश्न पत्र लीक कराए, उसके बाद से अब ये दोनों इस एनडीए के भीतर एक विलन के तौर पर उभर आए हैं। बेदीराम का तो एक पुराना वीडियो भी वायरल हो गया जिसमें वो उन पैसों को लेकर के बात करते दिख रहे हैं, जिसमें एक शख्स को पैसे देने के बाद भी जब सरकारी नौकरी नहीं मिली तो उसने बेदीराम का स्टिंग कर लिया। हालांकि बेदीराम ने बाद में कहा कि ये डीप फेक वीडियो है और इसे उन्हें बदनाम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन सभी जानते हैं कि बेदीराम का इतिहास क्या रहा है। बेदीराम पर 9 केस हुए जिसमें से अकेले 8 मामले सरकारी नौकरियों में प्रश्न पत्र लीक से जुड़े हैं। वो जेल भी गए तो इसी मामले में गए, और कुछ ऐसा ही हाल विपुल दुबे का भी है जो इस वक्त निषाद पार्टी से विधायक है। ये दोनों एक साथ एक मामले में जेल जा चुके हैं और दोनों का मामला अभी तक चल नहीं रहा। अदालत में हाजिरी नहीं लगाने की वजह से अब इन दोनों के खिलाफ अदालत ने उन्हीं पुराने मामलों में नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है और अब ये फंस गए हैं। ऐसे में अब जब भी ये परीक्षाओं में आएगी तो विपक्ष इन दोनों चेहरों को खड़ा करेगा। विपुल दुबे ने तो बकायदा यूपी तक से जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने सार्वजनिक जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया। 22 साल पहले की ये बात है जब कुछ लोगों के बहकावे में कुछ गलतियां हो गईं, लेकिन मैं इसे कोर्ट में लड़ूंगा। तो सभी नेताओं के अपने तर्क हैं, लेकिन इन दोनों के कारनामे किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी को अब कम से कम बीजेपी और योगी सरकार को हर बार फजीहत का सामना करना पड़ रहा है जब से इन दोनों के नाम सामने आए। ऐसे में विपक्ष हर बार बेदीराम और अब विपुल दुबे को आगे करेगा और इस बीजेपी सरकार के पास सिवाय मुंह छुपाने के कुछ नहीं बचता है। अब देखना यह है कि क्या इन दोनों से किसी तरीके से पीछा छुड़ा पाती है एनडीए सरकार या नहीं। लेकिन एक पीछा छुड़ाने की कोशिश आज जरूर ओम प्रकाश राजभर ने की है और उन्होंने कहा है कि बेदीराम उनके विधायक नहीं है। बेदीराम तो अखिलेश यादव के प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने चेहरे को हमारे पास भेजा और हमारी पार्टी से चुनाव लड़वाया, वो हमारे विधायक नहीं है। तो उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं पर उठ रहे थे। पहले सुन लीजिए क्या कहा है ओम प्रकाश राजभर। ये साजिश किया था अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, साजिश के तहत चाहे वो बेदीराम जी को हमारे पास भेजा हो, चाहे दूधराम को भेजा हो, चाहे जगदीश नारायण राय को भेजा हो, चाहे अब्बास अंसारी को भेजा हो, जितने लोगों को भेजा 14 लोगों को, वो सब के सब समाजवादी पार्टी। तो पल्ला झाड़ने का, पार्टी से अलग मानने का, दूसरी पार्टी का नेता मानने का अब एक दौर शुरू हो गया है और अब निश्चित तौर पर बीजेपी और खास करके एनडीए सरकार इन दोनों विधायकों से जल्द पीछा छुड़ाने के मूड में है। लेकिन ये पीछा इतनी आसानी से शायद नहीं छूटने वाला क्योंकि इस वक्त देश में पेपर लीक के खिलाफ एक माहौल है और बेशक इस पेपर लीक से इनका संबंध ना हो, लेकिन इनके पुराने पाप उभर कर सामने आ रहे हैं जो बीजेपी को जवाब देने पड़ रहे हैं। खैर, नज़र हमारी बनी रहेगी। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।